छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के आज बोर्ड परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और जशपुर की सिमरन सब्बा ने टेंथ की परीक्षा में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन सब्बा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसे ये मुकाम हासिल किया आपने, कैसे तैयारी की थी? सर मैं अपना रेगुलर रूटीन ये है कि मैं सुबह स्कूल जाती थी, 2 बजे मेरा छुट्टी होता था, फिर घर आने के बाद खाना खाने के बाद रेस्ट करके थोड़ा सा 4-5 बजे पढ़ने बैठते थे, बीच बीच में ब्रेक लेते थे और रात के 10-11 बजे तक पढ़ाई करते थे। कौन सी स्कूल की छात्रा हैं आप और स्कूल में कैसा सहयोग था शिक्षकों का? स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ, 10th में मैंने वहाँ एडमिशन लिया है और वहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, वहाँ के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं। और घर की स्थिति कैसी है, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का एक टेलर शॉप है, ओके टेलर, वो और ये टेलर में ही दुकान में रहते हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे भैया स्कूल के एक स्टूडेंट है, वो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा था, सपोर्टिव था, इसलिए आज मैं इस स्थान पे हूँ। आप इस पूरी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? इस सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूँगी, मैं मेरे स्कूल के सभी टीचर्स जिनका नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी, मिस्टर विनोद गुप्ता सर, मिस्टर भैरव भौमिक, मिसेस संगीता यादव, मिसेस सविता यादव, सचिना मिंज, मंजू भारती और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो ये इन्होंने अपने जो सफलता का श्रेय है वो शिक्षकों को, अपने परिवारजनों को दिया है। उन इस छात्रा के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप पेशे से टेलर हैं, काफ़ी मेहनत करके अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, आज अपनी आपकी बच्ची ने सफलता के झंडे गाड़े हैं, पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रही है। मेरी बच्ची बहुत मेहनत की है, उसके परिणाम उसी का आज है जो दिख रहा है। सिमरन सब्बा की माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी महसूस हो रहा सर, आज उसका क्या बोले मेहनत रंग ले आया है और हम लोग भी बहुत खुश हैं और मेरी बेटी भी बहुत खुश है, इतना मेहनत करती है, शुरू से ही मेहनत करी है, आज नया नहीं है और आशा है कि आगे भी और अच्छा मेहनत करेगी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये सब्बा जो तो आप देख सकते हैं कि सिमरन सब्बा के परिवार के साथ हम मौजूद थे और सिमरन सब्बा से हमने बात की, उनके परिवारजनों से बात की, परिवार में खुशी का माहौल है और जो यहाँ के जो स्थानीय जो इनके शिक्षक हैं और इनके जो गांव मोहल्ले के लोग हैं उनमें खासी खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं सिमरन सब्बा का परिवार हमारे साथ मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ आप